ट्रैक बोल रहा है ट्रैक क्या बात सिंगम आ गए सिंगम Where love's the blood and gore Always wanting more freedom from the source They don't really understand until they feel the force departed If you start shit, you'll be heartless in the darkness Torn apart quick, you'll have scars ripped You'll be chewed up and discarded क्या बात है रोड खाली और अपनी जीटी पावरफुल तो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में दैट इज नडी लूम के चैनल में मैं रिस्पेक्ट से अपने आप को हमारे हम बोलता हूँ है ना तो भाई आज का एजेंडा पता नहीं क्या है नो आइडिया बट अभी मैं जा रहा हूँ एम्बियंस मॉल और एम्बियंस मॉल में पहले से ही हमारे 3-4 राइडर्स पहुँच रखे हैं और मैं एज़ यूजुअल लेट हूँ अंकल जी कहाँ रनिंग कर रहे हो बीच रोड में तो मैं जल्दी से पहले वहाँ पे पहुँचना है और उसके बाद आगे की कहानी वहीं से स्टार्ट होगी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरे को ना राइडिंग आती ही नहीं है अचानक से कोई भी सामने आ जा रहा है और भाई मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है बारिश हुई थी कल रात को तो अभी इतना ठंडा हो रखा है ना बस पूछो मत ओहो ये देखो तो ये है हमारा लाइनअप आज इंटरसेप्टर डोमिनार मेरी जीटी स्पीड ट्रिपल 6R Z900 एंड वो भी शायद हमारे साथ ही है एंड 10R तो भाई इनमें से हमें आधे लोग जा रहे हैं सोना रोड और आधे लोग हम जा रहे हैं GFR के साइड राइडर्स पैराडाइज चले फिर कौन कौन आ रहा साथ में हम 3-4 ही हैं क्या जीटी को भगाने का भाई मज़ा ही अलग है एकदम 4 साल से मैं चला रहा हूँ उसको 40,000 किलोमीटर चला लिए मैंने पर अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि जीटी को चलाने का मज़ा अलग है अलग तो चलो आज आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं हम करते हैं एग्जॉस्ट बैटल अभी एग्जॉस्ट बैटल बड़ी वाली तो नहीं होगी बट यस दो एग्जॉस्ट ही करेंगे मेरा एग्जॉस्ट पावर रेंज और दूसरा बैरल एटम ये नहीं लेटती अरे भाई कार्तिक तू चल मैं बता रहा हूँ चल भारी बार लेफ्ट अब आ रही है टनल आ जाओ ये है वो एग्जॉस्ट बैरल एटम मेरा कायम रहे क्या बात ये है भाई प्यारी रोड भाई साहब ये गाय कहीं भी आ जाती है चलो भाई एक और लीनिंग वाली रोड हाँ सब लोग लीन कर रहे हैं यहाँ पे ये लीन करते करते कहाँ मेरे आगे आ रहा है ये तो बड़ा प्यारा स्पॉट है यार बहुत सही स्पॉट है भाई ये तो जय बजरंगबली तो भाई अब हम हनुमान मूर्ति जी के सामने से यू टर्न लेते हैं क्या बात एग्जॉस्ट का भाई साउंड तो बहुत सही है लग रहा है एग्जॉस्ट है तो लाउड
चलो भाई, बहुत सालों के बाद अब मैं एग्जॉस्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ अपने चैनल में, मतलब ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल हो गया है मेरे को कि एग्जॉस्ट कंपैरिजन मैंने करा नहीं है, तो भाई कर लेते हैं। और ये वाले एग्जॉस्ट पहली बार मेरे चैनल में आपको सुनाई भी दे रहे होंगे और मैं पहली बार कंपैरिजन भी कर रहा हूँ उनका। एटम बैरल एग्जॉस्ट करना भाई स्टार्ट। बस 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 ये हो गया भाई आइटम नोट है ना, बढ़िया। और यहीं पर अगर आप पावर इश्यू सुनोगे ना, ये देखो भाई उसके आगे ये सुनाई नहीं दे रहे हैं। एनीवेज इसको एक बार रैप करना भाई, रैप करना। ये AW से मुझे थोड़ा ज़्यादा ट्रेबलिश लग रहा है, और जो इसका आइडल नोट है ना वो ऑलमोस्ट कंपैरिजन कर सकते हो आप गुरसेवक के साथ, कि गुरसेवक जितना बेस आ रहा है इसमें। और यहीं पे जो मेरे पावर रेंज हैं ये ऐसे हैं कि भाई जैसे स्टॉक एग्जॉस्ट आता है ना, उसका साउंड आपने हल्का सा एम्पलीफाई कर रखा है। ये पावर रेंज लॉन्ग टाइप है। और ये वाला पर्टिकुलर एग्जॉस्ट का नाम क्या है भाई? बैरल एटम, बस यही आता है ना इसमें, यही आएगा। और ये इसका क्या प्राइस था जब आपने लिया था? भाई जब लिया था 10,500 का था। 10,500 का था भाई। ये दोनों एग्जॉस्ट आएंगे, दोनों आएंगे, एक नहीं आता कभी। ये 10,500 का अच्छा स्टेनलेस स्टील है, ये स्टेनलेस स्टील है और 10,500 का आया था लास्ट टाइम जब भाई ने लिया था। 16,000 का अभी 16,000 का हो गया है। तो भाई ये 16,000 में आएंगे, दोनों आएंगे, एक नहीं आएगा कि एक 16 का एक 16 का, ऐसा नहीं होगा। और ये वाले जो मैंने लिए थे, ये लिए थे मैंने मेरे ख्याल से 14,000 के लिए थे मेरे ख्याल से मैंने, ये अब शायद 16,000 हो गया होगा ये वाला रेट भी। बट इस प्राइस रेंज में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हल्के ये लग रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस मुझे बेटर लग रही है। ये थोड़ा सा ना थोड़ा सा स्टॉक जैसा साउंड करते हैं, पर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी खासी नहीं है। बट हाँ, जिसको चाहिए कि हल्का सा साउंड हो, स्वीट साउंड हो, वो इसके पास जा सकता है। पर थोड़ा जिसको परफॉर्मेंस चाहिए एज़ कम्पेयर टू आपका पावर रेंज, वो बैरल एटम के पास जाएगा या फिर AW के पास जाएगा या फिर रेड रूस्टर्स तो है ही आपके परफॉर्मेंस के लिए। चलो भाई अब चलाएंगे हम इंटरसेप्टर विद बैरल एग्जॉस्ट। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये हैंडल बार चेंज किया है क्या? हैंडल बार चेंज किया है क्या? छोटा सा लग रहा है, छोटा है ऐसे। FZ का है जैसे, अगर कोई यहाँ पे खड़ा होगा ना उसको जो साउंड इसका आएगा वो बहुत ही रॉ साउंड आएगा। बट जो मेरे को साउंड आ रहा ना अभी, बहुत ही स्वीट सा, ऐसे वो इनलाइन 3 की सिम्फनी नहीं होती, ऐसे जिन 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 विस्लिंग साउंड होता है। मतलब इनलाइन 3 का जैसा साउंड तो नहीं है, उसकी ऐसी विस्लिंग ज़रूर है। बढ़िया है यार, भागने ही बहुत बढ़िया है। थोड़ा भाग के देखें और बाइक बहुत अच्छा ब्रीथ कर रही है भाई ने। एक तो इसके साथ बैरल एटम के साथ शायद V2 स्पीड का एयर फिल्टर लगा रखा है, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना मुझे बहुत सही मतलब लग रहा है कि अरे भाई तो पास लग गई भी है नहीं। रेस लग गई V2 स्पीड का और बैरल एटम का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत स्मूथली बाइक जा रही है और 120-130 में चला रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है मेरे को। बहुत पावर है भाई, बहुत पावर है। मैं ज़्यादा लीड नहीं करूँगा क्योंकि नीचे इसके मोटर टॉर्क के ये क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर दो स्लाइडर्स आते हैं
जो नीचे वाला स्लाइडर है ना, ये रोड के बहुत ज्यादा पास है, ये कहीं टच। ये रही मेरी बाइक, साउंड ही नहीं है उसमें। बैरिकेड लगे हुए हैं भाई। कितने अंकल हैं ये भाई साहब, ये क्या चल रहा है? ये इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग हो रखी है भाई साहब। ड्रैग बोल रहा है, ड्रैग उनको भी लगाना है, अंकल को भी ड्रैग लगाना है। चलो भाई इंटरसेप्टर बस से स्पीड ट्रिप। क्या बात है भाई। इतना ट्रैफिक है ना कि ड्रैग लगाने का मन नहीं करता, पर ठीक है इतना खुला तो था कि हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। मैं जीत गया भाई, वो स्पीड ट्रिपल है, जितना उसका प्राइस है ना उतने में 4-5 ही आ जाएंगी। चलो भाई हम पहुंच गए हैं टंकुश। अब यहाँ पे आपको सुनाऊंगा फ्लाई बाय। दोनों बाइक एकदम रेडी हैं फ्लाई बाय के लिए। इंटरसेप्टर विद पैरल एटम, माय जीटी विद पावर रेंज लॉन्ग टाइप। पहले बैरल आइटम थोड़े लाउड है यार, काफी लाउड। आपने 120-130 के प्रॉब्लम पड़ गई होगी। नहीं एक तो ना मैंने एक चीज देखी कि बैरल आइटम ना जब मैं चला रहा हूँ ना तो मेरे को ज्यादा अच्छा साउंड आ रहा है। हाँ ना एक विस्लिंग साउंड भी आ रहा है उसमें, बढ़िया है। बाकी वेट रिडक्शन कितना हुआ होगा? ये है टोटल 5.7 केजी टोटल, दोनों मिला के हैं। ओह माय गॉड। ओह भाई साहब ग्राउलिंग साउंड है इसका बैरल एटम का। हाय बाय का रिजल्ट देखो, सिंगम आ गए सिंगम। क्या बात है भाई, क्या बात है। इसी नोट के साथ हम ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो उस वीडियो को, शेयर कर दो उस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। चलो सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ स्पीड ट्रिपल ऑब्वियसली। दिस इज़ नर्डी नूब साइनिंग ऑफ। कितनी हार्ड है ये, चल जाओ रेस्ट करो और हम चलाते हैं अपनी स्पीड ट्रिप।